बेटा मैं आपको अपनी एक फेवरेट डिश खिलाऊंगी। आलू किधर हो तुम लोग? तो करने अंदर इंसर्ट। खाने का टाइम हो गया। पिज्जा कटलेस निमको वाला। ओए मत करो यार। पसंद आए? ये लो फातिमा, इधर बेहोश हो गई है। और मम्मा को शिकायत कर रहे हो? ठीक है बच्चों, ठीक है, करो मस्तियाँ। हम लोग लाहौर वापस आ गए थे कल रात को कोई 3-4 बजे। अभी जो है शाम के 7-8 बज रहे हैं, क्योंकि अब जाके हम उठे, इतनी थकावट थी। और आप लोगों को पता है जैसे कि घर कोई भी नहीं है तो सारे काम हमें खुद को ही करने पड़े, तो बड़ा मसला होने वाला है यार। खैर ज़ैनब जो है अपनी दोस्तों की तरफ बुक्स लेने गई हुई है, वहाँ से स्कूल है इसका कल परसों शायद। एंड फातिमा मैडम जो है वो अभी उठी है, तो अब देखते हैं क्या करना है। इनकी आज जो है ना वो मैं ही अम्मी जी बनूंगी। सो लेट्स गो। तो जी गाइस, फातिमा मैडम नीचे आराम से बैठी हुई है उठ के। फातिमा आज तुम्हें मम्मी की कमी महसूस होने दूंगी, आज मैं मम्मा की कमी महसूस करूंगी। कमी तो महसूस हो रही है महसूस। तुम क्या सुबह सवेरे की माँ बनी भी हो? क्योंकि आज सारा नाश्ता खाना पीना सब मैं तुम्हारा करूंगी। बताओ क्या ब्रेकफास्ट चाहिए? नाश्ता नहीं चाहिए, रात बहुत हो चुकी है, खाना ही दो तुम डायरेक्ट दोपहर। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, आज खाने में क्या चाहिए आपको? ड्रामा तो बिल्कुल नहीं चाहिए खाने में, कुछ मजे का, कुछ कॉन्टिनेंटल, कुछ इटालियन। माना आप पीसी से होके हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बात तो सही है। कोई माँ के काबिल बताएं खाना। कढ़ाई बना दो आप। बेटा ये थोड़ी छोटी मामा, ये थोड़ा छोटा खाना बनाएगी, तो इसलिए थोड़ा कम खाना बताएं। ऑमलेट बना दे। चलिए बेटा ऑमलेट तो नाश्ता हो जाएगा, कोई खाना बताएं। पास्ता बना दूं आपको? फिर एक काम करें, आप पूछे मत, जो आपको बनाना आता है वही खिला दें। चलो ठीक है बेटा, मैं आपको अपनी एक फेवरेट डिश खिलाऊंगी जो मैं हमेशा अपने लिए भी बनाती हूँ। आपने बच्चे नहीं आलू बॉईल करके उसमें? नहीं बच्चे, नूडल्स वाला कुछ भी। बताओ नूडल्स खा लोगी? ओके, लेकिन टेस्टी होने चाहिए मम्मी। ठीक है, मैं आपको घर से कुछ खाना पीना पकड़ के साथ मिक्स करके कुछ बना के दूंगी, ठीक है ना, ताकि हमारा कफाया चाहिए। गुड बॉय, गुड गर्ल। और आपकी छोटी बेटी ज़ैनब किधर है? आवारा गर्द करती हुई बाहर गई हुई है कहीं, पता नहीं वो कब आएगी। माँ है, माँ की कोई फिक्र ही नहीं है उसको। अब वो आती है? फिक्र नहीं, वो मेरा ख्याल है बाहर से अपनी बुक्स लेने गई हुई है। हाँ ठीक है, चलो तब तक मैं किचन में जाके खाना शाना बनाती हूँ, तब तक ज़ैनब का भी वेट करते हैं। चलो बच्चों, चलो जी आप फ्रिज में देखते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है। कस्टर्ड केक शेक, ऐसा तो कुछ नहीं पड़ा बच्चों, आज मीठे में कस्टर्ड मिलेगा। तो जी गाइस, इधर ज़ैनब भी बाहर आ चुकी है, जरा इसकी तो मैं क्लास है। इतनी देर बाद आई है, तू कितने सी तू बिन दादी? यार मैं अपनी बुक्स लेने के लिए गई हुई थी। मैं तेरे कहने वाली कैसे करना तू? अरे कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब एंडी करना? ये क्या लेके क्या गया, दिखाओ जरा। गाइस मैं किचन में तो आ गई हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। तो वेलकम टू अज़रा परवीन्स व्लॉग। आज मामा व्लॉगिंग कर रही है, तो आज बच्चों के लिए खाना बनाया जो मुझे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ अब। गाइस फ्रिज में तो ब्रेड पड़ी है, ब्रेड से कुछ बनाती हूँ अब। तो आज अज़रा मैडम बनाएंगी बच्चों के लिए ब्रेड कटलेस। गाइस हमें कटलेस बनाने के लिए आलू ढूंढने पड़े, लेकिन आलू नहीं मिल रहे। फातिमा तो बता आलू कहाँ पड़े हुए हैं? आलू पता आलू कहाँ है? हाँ। कहाँ पड़े? रुको एक सेकंड। ये कैसा जोक है फातिमा? ये लो। ये कितना गंदा जोक है? अरे ये हाथ सुने हलकट हाथ। मुझे सही बताओ यार, जेब में है मेरी आलू, मुझे क्या पता माँ बनी का, माँ को पता होना किचन में आलू होते हैं। फातिमा तुम बड़ी बहन थी, तुम्हें बताओ ना चाहिए यार। ये बहनों ये थोड़ी पता आलू का है, क्या पता किचन में कर पता। अच्छा यार खुद ही ढूंढना पड़ेगा मुझे अब। चलो यार आलू ढूंढते हैं। आलू इधर तो कहीं नहीं है। आलू ले, ये क्या है? आलू किधर हो तुम लोग? नहीं यहाँ पे भी नहीं है आलू। नहीं यहाँ तो यार फिर यहाँ से नूडल्स वूडल ना बना लो, या फिर इनके लिए पास्ता। गाइस आलू नहीं मिले, और ये कुकिंग में फिर क्या करूँ अब। ब्रेड में ऐसा क्या डालें जो बहुत मजे की। एक दो मैंने निमको कटलेस बनाए थे ब्रेड के अंदर, निमको को डाल के उनको फ्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं। गाइस हमें निमको नहीं, लेकिन ये हीरा पे कुछ दुबई से लेकर आई थी, तो इसका बनाती हूँ। ये निमको टाइप ही होते हैं कॉर्न्स, तो ये हम ब्रेड में डाल के इनके छोटे छोटे कटलेस बनाएंगे। ये गाइस ये पहला व्लॉग है जिसको बनाने का मुझे इतना मजा आ रहा था, क्योंकि मैं अज़रा हूँ। गाइस एनु एंड करके गाइस ये थोड़ी सी फेक अज़रा बनी हुई है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा काम खराब। ये छोटी मामा है ना, तो काम खराब हो जाने इग्नोर मारे। तो गाइस ए जेगी साडी ब्रेड शेड आ चुकी है साडी, ते असी हुन इनदे अंदर ए पाके ते एनु एंड करके गोल गोल करांगे। ते साडे नाल रहो, स्टे ट्यून्ड, ते असी समझे अगर मामा के चैनल हो तो मामा से बात करती। साडे नाल स्टे ट्यून्ड रहो, ते राबिया दे मेरी बेटी हैगी है, ते ज़ैनब फैसल भी मेरी बेटी हैगी है, बड़ी क्यूट जे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ते गाइस मेरी एक बेटी सी इकरा कमल, ते उंदी होगी शादी, ते मैं हाले उंदे नाल ट्रिप ते गई हुई हां, ते पिछे मैं आके इन्ना वास्ते नाश्ता बना के फिर ट्रिप ते चली जावांगी। ਇਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮੀਆ ਫੈਸਲ ਰਫੀਕ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗਾਇਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਓਹੋ ਨੋ ਰਾਬਿਆ ਨੋ ਅਜ਼ਰਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ फिर तुसी जरा जे कॉर्न्स जेले जे अंदर डाल के ना
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰ ਇਨਸਰਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ੈਡ ਉਸੇ ਦੋ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਓਕੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਰਾਬੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਮਸੂਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਖੈਰ ਗਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਬੱਚਾ ਕੁਚਿਆ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣੀ ਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਘੀ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਗਾਇਜ਼ ਇਸਮੇ ਡਾਲੇਂਗੇ ਘੋ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਇਸਮੇ ਡਾਲੇਂਗੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਇਹ ਪਕਾਉਂਗੇ ਖੈਰ ਗਾਇਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਰਾਬੀਆ ਫੈਸਲਸ ਚੈਨਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਬ ਮੁਝੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਯਮੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਕੋ ਹਮ ਖਾਏਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪ ਲੋਕ ਘਰ ਪਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਔਰ ਨਿੰਕੋ ਕੋਂਬੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉੱਪਰ ਹਮ ਲੋਕ ਜਦ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ ਹਮ ਫਿਰ ਸਲਾਦ ਓਲਿਵ ਡਾਲੇਂਗੇ ਖੈਰ ਗਾਇਜ਼ ਹਮਾਰਾ ਖਾਣਾ ਜੋ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਮ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸਲਾਦ ਡਾਲੇਂਗੇ ਔਰ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਓਲਿਵ ਸ਼ੋਲਿਵ ਥੋੜਾ ਸਾ ਡਾਲਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਲਿਵ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਓਲਿਵ ਪਾ ਦਵਾਂਗੀ ਤੋ ਜੀ ਗਾਇਜ਼ ਹਮਾਰਾ ਬੱਚੋ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਬ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕੇ ਲਈ ਬੱਚੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਸੇ ਗਾਇਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਐਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਜ਼ਾ ਪਰਵੀਨਸ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖਾਣੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੋ ਇਹ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਪੀਜ਼ਾ ਪੀਜ਼ਾ ਕਟਲੈਸ ਨਿਮਕੋ ਵਾਲਾ ਐਸੇ ਕਿ ਜ਼ੈਨਬ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੂੰਹ ਮਤ ਬਣਾਓ ਉਲਟੀ ਕਾ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੋ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਿਮਕੋ ਐਂਡ ਵਿਦ ਸਲਾਦ ਔਰ ਓਲਿਵਸ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਕਾ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਮਾਮਾ ਹੂੰ ਆਪਕੇ ਲਈ ਭਲਾ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂ ਬੇਟ लोग निमको के साथ ब्रेड ऊपर देखो सलाद भी है बल्कि बेटा खाते है ऐसे मजे का नहीं है क्या ये कॉर्न जो है ना वो काफी क्रिस्पी है ब्रेड के ऊपर एक एक बाइट लेके देख लो बस बहुत मजे का होगा बस कह रही हूँ ना तुम्हें मजा आएगा खाके लिटरली एक बाइट लेके देखो ऐसे नहीं तोड़ के ऊपर लगाओ नहीं आया कि रोटी की तरह ही खाना तो फिर डर रोटी चलो उठा के खाओ फिर ऐसे उसको फोल्ड करके ऐसे करके जैसे टाकोस नहीं खाते ओहो ये क्या हो शक्ल टाकोस वाली है जैसे टाकोस खाते देखो मैं देसी मोमो ऐसे ना तो फिर सबर करो ये देसी टाकोस है चलो शाबाश खाओ क्या टेस्ट आए हाय हाय हाथ धो के बनाया था हां जी रोंगो पता हाथ धोए थे मैंने कैसे मजे के पसंद आए इससे बुरी डिश मैंने अपनी जिंदगी में नहीं ट्राई की व्हाट इज दिस गजब बेइज्जती है यार मैंने कितनी मेहनत से कितनी से इनसे मैं बुरी में होने लगी प्याज अलग खा लूं हाँ। मैं ब्रेड अलग खा लूं और ऊपर तुमने मकनातीस डाले ये अलग खा लूं दे दो वापस तुम ये माँ अच्छी डिजर्व ही नहीं करती छोड़ दो देखा पसंद आ रहा है ना खा रही हो ना बट व्हाट इज दिस मेरी उस बेटी ने तो सूंघ के छोड़ दिया कि स्मेल आ रही है अंदर से कुत्ता है वो कुत्ता चलो कोई बात दिखा दो तुम्हारे लिए खुद खा लेती हूँ तुम लोग के लिए मीठी डिश बना दू मैं कस्टर्ड बना दू बच्चों के लिए कस्टर्ड बना दू क्या है मुझे इस जन्म में माफ कर दिया जाए ये बड़ी अच्छी बात की आपने ये बड़ी अच्छी बात कही आपने अभी तुम्हारे लिए चीज बना के लाती हूँ वो खाना ठीक है नहीं फूड वेस्टिंग वो फूड अभी भी मैंने फूड वेस्टिंग नहीं की बड़ी चीजों से बनाया सब कुछ तो फिर ये सारा तुम खुद खाओ हाँ ये भी खाऊंगी सारा खाऊंगी गाइस मैं खुद ही खाऊंगी अब देखना और तुम्हारे लिए मैं कुछ मीठा बना के लाऊंगी ठीक है जी देख लेना मीठा की बना बनाऊंगी मैं हाथ धो के लेके यार मैं हाथ धोती हूँ जैनब तुम ये खाओ प्लीज ऐसे नहीं वेस्ट नहीं कर सकते बच्चे आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है गाइस ये मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे लग रहा है बेटी खा के आई मैं खुद ही खा लेती हूँ फिर लिटरली इतना मजे का लग रहा है पता नहीं ये लोग मेरी कला कब समझेंगे प्लीज आप लोग समझे जिसको ये डिश खानी है ना कमेंट में राबिया बेस्ट शेफ है अब मैं इनके साथ खेलूंगी चलाकी
अब देखना आप लोग। गाइज मैं तो देखे सारा फिनिश कर लिया था, इतना यमी था। गाइज ये जो है ना, ये हमारी एक दोस्त ने बना के हमें दिया था, मैं इनको जैनब को देखना बुद्धू बनाती। अल्लाह इतना थक गई हूँ जैनब, मैंने ये बहुत मेहनत से बनाया, प्लीज अब ये खा लेना जरा, ठीक है? बहुत मजे का और ये बहुत यमी है, मैंने अपने हाथों से बनाया। राबे ये बहुत पुराने हैं, ये मुझे पता है कब के हैं, जब हम मालूम जब निकल रहे थे उसके लिए। कहाँ गर्मी में हम गए थे? हम तो कहीं नहीं गए, ये बुद्धू नहीं बनी। फातिमा मैंने बहुत मेहनत से बनाया, चलो फिर यही खा लो। ये लो। नहीं बेवकूफ बना रही हो मुझे, ये वो केक है जो मेरी दोस्त सारा बना कर लेकर आई थी। छोड़ दो इसको, छोड़ो, किसी को मेरी उठा के झूठी चीजें अपने नाम का टाइटल चिपे कर रही हो। तुम चाइना बनी हुई हो, जो तुमसे बात, जो फ्रिज तुम्हारा चाइना बना है, वहां का माल उठा के अपना लेबर उठा के बेचती है साली। गाइस एक दिन मैं ये खुद बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, कोई अहमियत ही नहीं है मेरी। लाबे यार भूख लग रही है, खाना दे दो। मैं खाना खा के पेट भर के बैठ गई हूँ, तो मैं खाना लेके थी, तुमने नहीं खाया। पागल हो, उससे मैंने अपना पेट नहीं खराब करना। तो दोस्तों की तरफ से कुछ नहीं खा के आई? सिर्फ रोटी खाई थी, अब और भूख लग रही है। यार मैं इनको क्या खाना दूं, यार मैं इनको क्या, मेरे बस का नहीं है, अब वो खुद ही करो कुछ अरेंज। आओ खुद बना। मैं तो अम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके फिर, मम्मा आप वापिस आ जाओ प्लीज, फातिमा आ जाओ, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। मैं ये लो फातिमा, इधर बेहोश हो गई है। हाय मेरी बेटी फातिमा, जैनब फातिमा, अपनी बहन की कोई फिक्र है तुम्हें? उसके पास जाओ। जिंदा है, चुप कर जा। हाय बहना, मेरी प्यारी बहन, क्या हो गया? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। प्यारी बहन उठो, ये मेरी बेटी जिन कैसे बन गई है बात। आप ये मेरी प्यारी बेटी, क्या है बेटा? चलो अब हम सारी फैमिली मिलके जो है ना वो बैठ के घर की पुरानी बातें करते हैं। फातिमा फिर तुम ऐसा करो, बाहर से ही खाना मंगवा लो, ऐसा करो ठीक है? ये क्या कर रही हो बेटा? बेटा अभी माँ आपके घर पे ही है। बेटा नानो आ जाएगी, गुस्सा करेंगी। बेटा नानो गुस्सा करेंगी, मत करो प्लीज। पापा जी कैमरा में से देख ले इस बात को, ये क्या कर रही है पूरा मम्मा के। ओए मत करो यार, मत करो, घर खराब कर रहे हो। माँ बाप के बगैर घर कुछ भी नहीं है यार। मैं जा रहा हूँ, मैं चली गई, तुम लोगों क्या होगा? ये फातिमा छलेड़ी बन गई है। ओए क्लास सारा घर खराब कर। फातिमा तुम छोटी बच्ची हो, छोटी बच्ची हो क्या? ये क्या कर रही? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चलो आओ बच्चों पिलो फाइट करें। छोड़ो मम्मा मारेगी, छोड़ो मम्मा मारेगी, फट जाएगा। चलो बेटा आप बाहर से खाना ऑर्डर करो। जाहिर है गंद खा के बाहर से ऑर्डर करना। गाइस मैं हिम्मत जवाब दी थी, लेकिन मैं बहुत अच्छी शेफ हूँ ठीक है ना। मैं तो थोड़ी देर अंदर जा रही हूँ, कोई बदतमीजी ना करे, अम्मी मामा नानों से बात करने जा रही है। A few moments later. किधर है ये, क्या कर रहे हो? मम्मा को शिकायत लगा रहे हो? देखा मैं तुम लोगों को मना किया था ना, पेट खराब हो गया, जुबान भी चल गई। कितनी बुरी बात है, मैंने इनको मना किया था कि मत बताओ मामा को सारे, अब इनके इनके भी करतूत बताऊंगी। मामा को पता तो चल जाएगा। मामा जी सब झूठ बोल रही हैं, मत यकीन करना। मैंने इनको इतना मजे, इतना एक तो मजे का खाना खिलाया, मजे का बेपागल हो। रबी ये क्या ले सुन रही हूँ मैं? मामा सारा झूठ बोल रही हैं। किचन में आग नहीं लगा दे। जैनब ज्यादा बोलो मत तुम्हें, एक मैंने खाना ला के दिया था, फिर बाहर से ही मंगवाया था। फातिमा ऐसे बोलते हैं अपनी दफा, बाहर से ही मंगवाया था चाइनीज चाइनीज। गाइस एक तो मैंने इनको इतने प्यार से खाना बना के दिया, देखो जरा। खाना नहीं आता बनाना। मम्मा मुझे आता है यार, की थी कि मैंने बनाना है। बस कर दो, मुझे मामा से पर्सनल बात करें तो मामा जी मैंने इनको बहुत अच्छा खाना बना के दिया, आप इनकी बात का यकीन ना करें, मैं अच्छी से इनकी दूसरी मम्मी बनी हुई हूँ ठीक है ना, आप फिक्र ना करें। क्या झूठ बोल रही है? हाँ सारा झूठ बोल रही है। हाय अल्लाह वो देखो, इधर पिज्जे खाए जा रहे हैं, इधर चिकन नगेट्स खाए जा रहे हैं। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? हम लोग इधर बहुत मजे के मेरे हाथ के खाने खा रहे हैं ठीक है, ठीक है बच्चों ठीक है, करो मस्तियाँ, वापिस आओगे ना? सैंडविच भी खा रहे हैं गाइस, तुम लोग देखना तुम लोग आज सुबह कल सैंडविच मिलेगा ठीक है। हाँ दिख गया, पिज्जा शीजा खा रही हूँ, सब जूस पड़े हुए। वाह इनका पास्ता मंगवाओ, वो भी बहुत अच्छा है जी। तुम्हें पता है मम्मा जब हम लोग सबात के रास्ते में थे, लैंडस्लाइड ही हुई है मम्मा, मैं नहीं आज सबात आती। देखा मेरे बगैर आने का यही नतीजा है। एक घंटा मेरे साथ आओगे तो जिंदगी भर के लिए सुखी रहोगे ठीक है। कोई बात नहीं लड़कियों, वापिस आओ, तुम लोग अपने हाथ के खाने खिलाऊंगी, तुम लोग भी खुश हो जाओगे। बस ना करो जैन, अब खाना मजे का था कि नहीं था? कौन सा? मेरा जो खिलाया था। फातिमा खाना मजे का था कि नहीं था?
यार ये गंदा कुछ होता है राबिया, मिक्स करके जो भी बनाती है वो उसकी डिश होती है और उसका खाना होता है। सारे कमेंट करें राबिया अच्छी शेफ है। ओके ओके क्या बनाया होगा, आलूओं को बॉयल करके उनके अंदर 3600 सॉस डाले हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इनको एक बड़ी मजे की डिश बनाई थी। खैर चले आप लोग मस्ती करें और इनकी कॉल ना उठाना, ये लोग ऐसे में शिकायतें लगाएंगी। आप मस्ती करें, हम अपनी मस्ती करेंगे। मुझे तंग मत करना, आप आराम से घर का ध्यान रखना। तुमने ठीक है, ओके मम्मी, बाय बाय, लव यू। किचन में नहीं घुसना, किचन में मेरे बगैर नहीं घुसना अब। ओके मम्मी नहीं घुसेंगे, मैं तो घुसूंगी यार। ठीक है, ओके बाय। खैर गाइस हमने खाना शाना खा लिया और कुछ हम स्नैक्स वगैरह भी लेके आए हैं कल के लिए, ताकि कल का दिन हमारा अच्छा गुजर जाए। फिर पता नहीं है मामा ने, बहनों ने कब आना है, पापा ने कब आना है, बड़ा मिस कर रही हूँ। सारी घर की लाइटें बंद करना, दरवाजा बंद करना, सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी और फातिमा की, क्योंकि हम दोनों बड़ी हैं। खैर सुबह जैन में स्कूल भी जाना है। सो अब इस व्लॉग को करते हैं एंड। सो होप सो कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा और देखते हैं हमारा कल का दिन कैसा गुजरता है। सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब माई चैनल एंड अज़रा फैसल के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।